गाइस पता है कल रात को क्या हुआ, इतना जोर से ठंडा लग रहा था और मेरे को बहुत जोर पेट में, पेट भी बहुत दर्द दे रहा था, पूरा मेरा हालत ख़राब है गाइस, इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ गाइस, पता आप सबको। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग आप सबको, आप सब कैसे हो, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, मेरा तो तबीयत ख़राब है, क्या करें बताइए। कल अचानक से कल हम लोग रानी से मिल के आए, उसके बाद हम कल दिन भर नहीं खाए, परसों भी कुछ भी नहीं खाए, नर्सों भी कुछ नहीं खाए, तीन दिन से कुछ सिर्फ जूस पिए पानी पिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं, लोग कुछ भी खा रहे ना, मन ही नहीं कर रहा है कि कुछ खाने के लिए, ना उल्टी सा लग रहा है। लेकिन कल रात को अचानक जब मतलब यहाँ पे तो सीमल सोता बेड में और यहाँ पे तो मम्मी और चाचा, तो चाचा मम्मी चले गए, तो मैं सोची किचन में मैं भी छा के सो लेती हूँ क्योंकि हस्बैंड तो गए थे कहीं पे। तो कल रात को तो फिर वो लेट से आया, कोई दोस्ती आ रही थे काम के लिए, कंपनी में ज्वाइन हो गया ना, तो इसीलिए वो गए थे बात करने के लिए। तो मैं उस रूम में किचन में जाके बिस्तर बिछा के सो रही थी और मोबाइल देखती रही थी। अचानक से ना मुझे बहुत जोर ठंडा लगने लगा, एकदम ठंडा से ना पैर हाथ पूरा कांपने लगा, तो मेरा पूरा कांपने लगा पूरा दम, और हमें ठंडा से मेरा दांत भी चिबाने लगा, तो मैं सीमल चिल्ला रही थी। ये तो अच्छा था कि सीमल था बोल के, फिर सीमल तेल उल गरम करके मेरा पैर में तेल लगाया है, नहीं तो कल मर ही जाते शायद आप लोगों के साथ हम होते ही नहीं, इतना भयानक। और फिर उसके बाद इतना पेट दर्द से हालत पूरा मेरा ख़राब, पेट दर्द इधर से ठंडा लग रहा, पेट दर्द, कमर दर्द, पेट दर्द इतना जोर से। और अभी ठीक है, अभी ठीक लग रहा है, अभी नॉर्मल है। अभी रात को बहुत ज़्यादा, कल रात भर हम सोए नहीं है ठीक से, तो हालत ख़राब है और पेट में कुछ भी अनाज भी नहीं है था, तो इसीलिए शायद ठंडा लग गया होगा। और इतना दूर से हवा में ठंडे बारिश हो रही है और हम शायद गाड़ी से तो शाम को आए, इस वजह से ऐसा हो गया होगा मेरे साथ, और हद से ज़्यादा पेट दर्द देने लगा। तो क्या बोलूँ गाइस, आजकल तो मैं ब्लॉग भी नहीं दे पाती आप लोगों को कि आप लोगों को पूरा ब्लॉग दे पाऊँ, क्योंकि मुझे मेरी तबीयत एकदम अब ठीक नहीं रहता है, मैं डेली ब्लॉग नहीं बना सक रही हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेले कितना करूँगी। मैं इधर फेसबुक में भी ब्लॉग डालती हूँ, इधर यूट्यूब में डालती हूँ, यूट्यूब चैनल तो हमारा दो है आप तो जानते हैं, एक रजनी एंड डेंजर, एक गुड्डू सोरेन वाला, जो अभी गुड्डू सोरेन वाला ब्लॉग बन रहा है। इसीलिए हमसे जितना हो पाता हम उतना करते, इसीलिए हम शॉर्ट्स ज़्यादा डालते कि आप लोगों के साथ जुड़े रहे, आप लोग जाने कि मैं ठीक हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। और कल तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था, इसीलिए मैं सोची कि क्यों ना आप लोगों को एक ब्लॉग बना के दे दूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ ब्रश करने, ठीक हो अभी जाके ब्रश व्रश करूँगी, काम वाम करने जाना है, 10 बजने फिर काम करने भी चल जाएंगे। हस्बैंड जी बोले कि मैं आ रहा हूँ दूध लेके, और हरी दूध वाले पी लेंगे ना, थोड़ा शरीर में ताकत मिलेगी, कमजोरी सा लग रहा है शरीर में, पेट दर्द से कल रात से तड़प रहे थे ना, इसलिए भी हस्बैंड जी गए हैं लाने के लिए दूध और हॉर्लिक्स, वो आते हैं। मैं ऐसे डेली ब्लॉग नहीं बनाती हूँ इसलिए, पर हाँ आप लोगों को शॉर्ट जरूर दूंगी, जो होगा जैसा होगा मैं शॉर्ट वीडियो जरूर डालूंगी, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है डेली अब ब्लॉग डालना, ब्लॉग जितना हो पाएगा मैं करूँगी, जो अच्छा लगे, जो नया लाऊँगी, नया चीज़ दिखाऊँगी, तब मैं ब्लॉग बनाऊँगी। तो आप लोग बताना गाइस, ठीक है। सो गाइस देखिए, दो हॉर्लिक्स लेकर आए हस्बैंड जी, दो हॉर्लिक्स और दूध लेकर आए। बाबू तुम क्या लेके आया हो? नहीं, हम सब नूडल्स लेके आए, सिंगाड़ा लेके, गुलगुला लाना चाहिए था, तो गुलगुला लाना चाहिए था, सिंगाड़ा सड़ा कुछ अच्छी क्या चीज़? Thank you.
तो गाइस हम आ गए काम करके अपने घर, और अभी भी भूख नहीं लग रहा, पता नहीं मेरा भूख मर गया या नज़र लग गया, क्या हो गया गाइस आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताना। और अभी भी हमारा पेट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मतलब दर्द हो रहा है। तो हमारा ये छोटा सा ब्लॉग है, भले जितना भी छोटा है आप लोग प्यार देना हमारा ब्लॉग में, और अच्छे लगे तो लाइक करना, और अच्छा ना लगे तो लाइक मत करना, और अच्छा और मैं पसंद आई तो सब्सक्राइब करना, अगर मैं बिल्कुल आपको पसंद नहीं आती तो बिल्कुल सब्सक्राइब मत करना, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। और हमारा टीवी चल रहा है तो उसको इग्नोर करना, बाबू है ना गणेश हम लोग का टीवी देख रहा है। तो बहुत जल्द आप लोगों को कुछ बताना है और बताऊंगी मैं, पर मैं क्या बताना चाहती हूँ आप लोगों को बताऊंगी, और क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा सब कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन कैसे इतनी छोटा ब्लॉग आज मैं दूंगी, ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं दे पा रही हूँ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आई होप कि कल मैं अच्छा ब्लॉग दे पाऊँ आप सबको, कि अभी थोड़ा हम लोग को मेरा परेशानी चल रहा है, मेरा थोड़ा तकलीफ है, तो आप लोग इसमें थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। और क्या बता सकती हूँ मैं, ये मेरे से जितना हो पाता है उतना कर रही। देखो बाबू मैं ब्लॉग बनाने लगी तो बाबू टीवी का साउंड भी कम कर दिया है। तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा ब्लॉग जरूर से बताइएगा, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है किसी को। तो ठीक है बाय, फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ, ऐसे ही छोटी छोटी हमारी ब्लॉग और अपडेट के साथ, ऐसे तो शॉर्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, अब हमारी छोटी छोटी ब्लॉग के साथ भी मिलेंगे। आई होप कि जितने भी हो पाए मेरे से मैं उतना भी ब्लॉग में बनाऊंगी, कोई ज़रूरी नहीं कि लंबा ब्लॉग में आप लोगों को दे पाऊँ। क्या मछली ला? ओ आज हम लोग छोटा मछली लाने जा रहे गाइस, आप लोग जरूर से देखना। सार्क बाबू बोलते सार्क पालेंगे, सार्क तुमको ही खा जाएगा। कछुआ मिलेगा तब तो लाएंगे, बाबू बोलते सार्क लेके आएंगे। तो चलिए गाइस बाय।